हेलो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है। किस संदर्भ में कराया, मैं आपको पहले नोटिस के माध्यम से थोड़ा वैसे बता दूं कि देखिए, आपको पता होगा 9 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जिसमें बताया था 9 अप्रैल के नोटिफिकेशन में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे पोस्टपोन कर दिए जा चुके हैं इस महामारी के कारण। जी हाँ, आपको पता ही होगा 9 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन जारी करा था कि सेमेस्टर जितने भी एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम और लास्ट ईयर के जिनके भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम थे, वो सभी पोस्टपोन कर दिए जा चुके थे 9 अप्रैल के नोटिफिकेशन में। और आज 13 अप्रैल को दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमें अपडेट देखने को मिला है। तो नोटिफिकेशन क्या रिलीज़ करा है उसे ही हम जानेंगे आज। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 13 अप्रैल को वेबसाइट पे रिलीज़ करा गया है नोटिफिकेशन, जो 12 अप्रैल का नोटिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार क्या नोटिफिकेशन है, तो हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ब्रांच रेफिल नंबर जो है एग्ज़ाम 2020 12 अप्रैल सन 2020 अधिसूचना जारी करी है नोटिफिकेशन। तो देखते हैं क्या है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जाने वाली लास्ट सेमेस्टर और लास्ट ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड इस यूनिवर्सिटी की अधिसूचना जो डेट थी 9/4/2020 की निरंतरता से संबंधित है, यानी कि जो आपको नोटिफिकेशन 9 अप्रैल सन 2020 को रिलीज़ करा गया था, ठीक है, जो लास्ट सेमेस्टर और लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके जो एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन कर दिए जा चुके थे 9 अप्रैल के नोटिफिकेशन में, उससे ही रिलेटेड ये नोटिफिकेशन उसी के संदर्भ में ही आज अपलोड करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यह सभी संबंधित सूचनाओं के लिए सूचना दी गई है, मतलब कि जो 9 अप्रैल के संदर्भ में जो भी नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया था उससे ही रिलेटेड ये सूचना आज जारी करी गई है। तो देखते हैं क्या है। इस तरह की सभी परीक्षाएं समय और विस्तृत दिशा निर्देश को अधिसूचित किया जाएगा, मतलब कि जैसे ही आपको टाइम टेबल मिलेगा नया एग्ज़ाम से रिलेटेड, जितना भी दिशा निर्देश होएगा वो अधिसूचना जो है आपको किया जाएगा नोटिफिकेशन, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, इस महामारी के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर समय समय पर भारत सरकार या दिल्ली सरकार NCT द्वारा जारी किए गए वैधानिक निर्देशों का उसकी सलाह का अनुपालन करें, मतलब कि इस महामारी के दौरान जो है आपको भारत सरकार जो है, दिल्ली सरकार जो है, जो भी कोई नोटिफिकेशन दिशा निर्देश दे रही है उसका भाई तुम्हें पालन करना है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको समय समय पर विजिट करते रहना है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, देखिए क्या था, बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैला रखी थी कि आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है कि एग्ज़ाम जो है अब नहीं लेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो नहीं है। देखिए, आधिकारिक रूप से अभी पूरी तरह से घोषणा नहीं हुई है, तो बाकायदा 9 अप्रैल के संदर्भ में मैं आज भी यहां पर सूचित कर दिया है कि जैसे ही आपका नया एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा और विस्तृत दिशा निर्देश जो होंगे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। आगे पढ़ते हैं क्या है। इसलिए सभी संबंधित को सलाह दी जाती है, मतलब कि जो इससे रिलेटेड हैं, जो भी इस सूचना से रिलेटेड हैं, उन सभी को सलाह दी जाती है कि एकेडमिक कैलेंडर और एग्जामिनेशन प्रोसेस जो आपका कार्यक्रम है, दिशा निर्देश से संबंधित किसी भी अपडेट या अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, किसी भी अफवाह में ना फंसें। एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.du.ac.in पर ही विजिट करना है। मैं आपको बता दूं, देखिए इसलिए हम इस चैनल पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है तुरंत अपडेट करते हैं, वो भी आपको सबूत के साथ दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि होता क्या है मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अफवाह फैला देते हैं अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए, ऐसा वो कार्य करते हैं। तो देखिए, बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ऐसी जानकारी प्रमाणिक मानी जानी चाहिए, मतलब कि वही जानकारी आपको ऑथेंटिक मानी जाएगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करा है कंटेंट, ठीक है। जो भी कोई अपडेट करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे, केवल वही ऑथेंटिक माना जाएगा, किसी और का ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। इसलिए सभी दिशा निर्देश का, सभी नियमों को ध्यान से उसकी सुने जो भी कोई अलग व्यक्ति बता रहा है समाचार पत्रों में, ठीक है। इस ये जो है सभी पर लागू होता है, देखिए, चाहे वो रेगुलर कॉलेज के हैं, चाहे वो स्कूल ऑफ लर्निंग के हैं, चाहे आप नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड की महिलाओं के बोर्ड के हो, जिसे आप NC वेब बोलते हो, के साथ जिन भी स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन करा है, मतलब कि जो भी इससे रजिस्टर हैं, SOL, NC वेब, रेगुलर कॉलेज, जो भी रजिस्टर हैं उन सबको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस तरह के अपडेट के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अलावा अपने संबंधित संस्थान के वेबसाइट पर ही भरोसा करें, मतलब कि एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और जो आपका संस्थान है, जो पर्टिकुलर आपका कॉलेज है
अगर आप रेगुलर कॉलेज में हो तो आपका रेगुलर कॉलेज की वेबसाइट होती है, मान लो आप जाकिर हुसैन कॉलेज में हो तो जाकिर हुसैन कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस तरह से ही कह रहा है। तो आई होप कि आप तुम समझ गए होगे कि जो एडमिशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होता है, चाहे वो कोई कैसा भी हो, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का ही वेट करें। किसी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि करता है तो उसका विश्वास ना माने, उसके दिशा निर्देश को ध्यान से जरा देखें। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहा है कि 9 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन रिलीज करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में कि जितनी भी डेट शीट थी जो मई के महीने में एग्जामिनेशन लिए जाने थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के, वो सारे पोस्टपोन कर दिए जा चुके हैं। तो उसी संदर्भ में आज बताया है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे ही अपडेट देगी कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है, क्या सूचना होगी, क्या टाइम टेबल होगा, तो उसकी सूचना दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। उससे पहले अगर कहीं भी आपको देखने के लिए अपडेट मिलता है तो उसका इतना भरोसा जल्दी से ना करें, इसलिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.du.ac.in पर हमेशा विजिट करते रहें। आई होप कि तुम समझ गए होगे, इसलिए हम आ रहे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता ही होगा हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन रिलेटेड नोटिफिकेशन इस पर अपलोड करते रहते हैं, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते हैं केवल। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो रूमर्स से वो भी बच सकें, अफवाहों से वो भी बच सकें। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।